जरे जा मायालू मेरा दानपुरा मधु अगरा डाक जले मेरा दानपुरा घगरा बिलो जाल जली मेरा दानपुरा पैदल बाटू मायालो मेरा दानपुरा। पहले मेरे को ये बता निमंत्रण किसका है, तो तेरे को कोई यहाँ तो निमंत्रण करने के लिए नहीं आया। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, कैसे भी है दोस्तों। ये मुँह में नहीं है बुलाव डालने वाला है, बागेश्वर है तो बागेश्वर जाना, बागेश्वर जाना है। हाँ तो शाम को घर आना। अरे वहीं से जाऊंगा मॉर्निंग में। मत पाया मेरा हाथ लकड़ी से डंडा खिलाऊंगी। मेरे को ये बता निमंत्रण किसका है, तो तेरे को कोई यहाँ तो निमंत्रण करने के लिए नहीं आया। कोई बहन है, बहन है उसी के लिए ये जाना वहाँ से। और तेरा क्या होता है? ठीक है मीना, खाली एक दो दिन कब आऊंगा? परसों आऊंगा, ठीक है आ जाना। जाल बताना यार, परसों आऊंगा परसों। तू मेरा बबर यार, वही बैठना फिर, वही रहना। अरे तो यहाँ दोबारा दोबारा यार बार बार इधर को इतना लॉन्ग नहीं पड़ेगा? लॉन्ग पड़ेगा क्या फिर? लॉन्ग तो तू ये है ताताई छिची ठुक पड़ता मित बीड़ी पियो बूटी में सुबह ये दांत है दो बार। क्या हो गया? दांत देखो तो इसका। अरे कुछ नहीं है, सही है वो। देख तो मेरा सूरज देख, मैं कितना भी हिंदुस्तान में पूरा फेमस हूँ, ये है वो है करते। दांत देख तो अपना, ठीक है। मैं गिदरा देख तो। अरे अभी मुंह आदमी केमो जा रहा हूँ निमंत्रण में, वहीं से भागे से जाऊंगा ब्लॉग डालने। नहीं ऐसा नहीं होगा। क्या आज शाम को घर आना और कल जाएगा? दोबारा दोबारा कौन आएगा? दोबारा वहाँ से तू हाथ में थोड़ी जा रही है। अरे नहीं नशा मत दिखा। तो यहाँ बार बार दूसरे का लड़की नहीं लाना था, तू उसी के घर में पहुँचा दे। तो वीडियो डालने नहीं जाऊँ मैं? रोता है नहीं, रोती हो? क्यों नहीं रोते है ऐसे? तेरे लिए भी देखो तो ये जैसे जूते है ऐसा मुँह हो रहा है इसका, खाप मुँह देखो तो, दांत देखो तो। मैं जा रहा हूँ अभी, मैं जा रहा हूँ अभी ससुराल जारी करके। मैं जा रहा हूँ आ रही हूँ को। अच्छा बोलना सीख तो, जा रही हूँ बोलना मत सीख। तो ब्लॉग डाल या वीडियो डालने तो जा रहा हूँ, निमंत्रण में जा रहा हूँ। जाएगा ना तेरे को? किसका निमंत्रण है यार? किसी को नहीं आया इस गाँव में निमंत्रण, मुझे आया ना फिर। तो किसका निमंत्रण है? तू खाली नौटंकी मत कर। निमंत्रण किसका निमंत्रण है फिर? वहाँ कोई बाजा गाजा भी नहीं है, कोई वीडियो वीडियो कोई वजनदार नहीं बज रहा है। तेरे को किस किस बात की निमंत्रण है? क्या है वो निमंत्रण? किसका है वो निमंत्रण? अरे निमंत्रण है वहाँ अभी। किसका निमंत्रण है? कौन आया था यहाँ? लड़की है कोई। कौन आया था? लोग आए थे, हो जाता है सब चीज, सब कुछ बढ़िया है, फिट फाट। लड़की लड़की क्या निमंत्रण में जा रहे है फिर? वो क्या देगा वहाँ जाके? चलो यार मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ सुबह सुबह। वीडियो डालने जा सकते है लेकिन केमू में जाने के फिर आज शाम को केमू बैठेंगे, कल वहाँ से जाएंगे, परसों घर आएंगे। 3 दिन लगा रहे हो तू, घर बार करना है तो ढंग से कर, नहीं करना तो सीधा हिट दे। तेरी लड़की औरत को वहाँ पहुँचा दे अब उसके मायके में, तू चल दे यहाँ से। खाली घर बार कर रही हूँ, घर बार कर। कब करेगा यार तू घर बार? कब आएगा तेरे को घोष? अब तो मोस भी आ गया है, दांत दे तो कैसा दिख रहा है इसका दांत? शर्म नहीं आ रहा गधा साहब? ठीक है माँ, ठीक है परसों आऊंगा। नहीं नहीं शाम को आ जाना। क्या कह रहे हो? शाम को नहीं आएगा तो मैं तो डांटेंगे, तेरे बहू को पहुंचा देंगे गरवाल। तो वीडियो डाल के नहीं आऊं मैं? कल जाना ना फिर यहाँ से। चुप रहो यार, घर से नहीं जा सकते है? अरे तेरे को खाना नहीं मिल रहा है, यहाँ बैठे बैठे खा रहे चूतिया साला शो शो करके। नहीं नहीं मैं भी आ रही हूँ चश्मा बनाने के लिए। क्या चश्मा? बुढ़ापे में रहने दो, मैं आँख नहीं देख रही हूँ। और भाई दोनों तरफ देखो, ताऊ जी ने बाड़ लगा दिया है और यहाँ पर बोया है राजमा, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। मौसम देखिए, पहाड़ों में अभी थोड़ा धुंध छाया हुआ है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। रात के टाइम में बारिश आ सकती है कल की तरह। उधर वाले गाँव में ना है टेंट, यहाँ से कहाँ दिखेगा? दोस्तों तैयार हो गया हूँ और यहाँ से जाऊंगा केमो गांव निमंत्रण में। इसे सुबह जाऊंगा मैं बागेश्वर जिला ब्लॉग डालने के लिए। हमारे गांव में रोड तो आ चुकी है, गाड़ियां भी जा रही हैं लेकिन प्रॉपर नहीं जा रही हैं। चल ठीक है फिर, हाँ ठीक है, मिलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग पूरा शॉर्ट वाला रास्ता जा रहे हैं, यहाँ से पूरी खड़ी चढ़ाई वाला। लेकिन भाई यहाँ पर बड़े बड़े अजगर भी होते हैं, पापा बता रहे थे। जॉग लगने का टाइम भी आ गया ना, क्योंकि देखो भाई अब पूरा जो माहौल है एकदम हरा भरा हो गया है।
तो इतना फिसलन वाला रास्ता है, पूरा चट्टान वाला रास्ता है, तो हमेशा संभल कर ही चलना पड़ता है। कन्यादान करने जा रहे हो? कन्यादान करने के लिए नातनी है मेरी। तो भाई मेरी ताई जी देखो अपनी नातनी का कन्यादान करने के लिए इतने खतरनाक रास्तों से आ रही है, वो भी जाठा टेक टेक के, हाथ पांव टेक के आ रही है और जोंक भी लग रहा है बहुत ही ज्यादा। तो अभी हम लोग केमू जा रहे हैं और रामगंगा नदी से जस्ट एक लंबा वाला शॉट पड़ता है, पूरा रास्ता जंगल वाला है और बहुत ज्यादा खड़ी चट्टान है। और रास्ते रास्ते में हम लोग मनोरंजन करते करते जा रहे हैं, हमारी पार्वती ताई जी है तो जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा गाती है भाई। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आगे शेयर करना। घागरा बिलो जाला जाली मेरा दन पूरा, पैदल बाटू माया लो मेरा दन पूरा, बखुला दोना कमला मेरा दन पूरा, गोरी बागारा सरोला मेरा दन पूरा, जरे जा माया लो मेरा दन पूरा, ठंडा ठंडा पानी पी जाले मेरा दन पूरा, आलू गोभी की साग राजमा मेरा दन पूरा, मोटा बुणोला मायालू मेरा दन पूरा, मगा से काटोला बगर सरोला दन पूरा, वो ठंडा ठंडा पानी पीजोला मेरा दन पूरा, उत्तराखंड भूमि मायालू मेरा दन पूरा, बुजुर्ग रोना पहाड़ा मेरा दन पूरा, बिन सफल गाही डना दुना पुर दन पूरा, ओ शहर इलागा निहुनी मेरा दन पूरा, ओ पैदल बाड़ा मायालू मेरा दन पूरा, देव दे पाता रोनानो मेरा दन पूरा, ओ घाटाली लगोना मायालू मेरा दन पूरा, ओ भदमेला लगोसा मायालू मेरा दन पूरा, ओ नैनोवा कहीं टूटाली अखी टूटाली, नैनोवा खुरी कुटरिया रोजा, दानुली शाड़ी फाटली मेरी फाटली, दानुली शाड़ी लगाए रोजा। ऐसा मेरा दानपुरा हमारे श्री श्री स्वर्गीय प्रहलाद महाराज जी ने गाया था, लेकिन जो ताई जी ने अभी बोला वो किसी ने नहीं बोला भाई, बहुत अच्छा आवाज था, भले अभी इनको मतलब सर्दी जुकाम लगे, इनका गला खराब हो रहा है, बट आवाज देखो भाई। तो प्लीज यार उम्मीद करूंगा जितने भी हमारे उत्तराखंड के सिंगर देख रहे हैं अभी ये ब्लॉग देख रहे हैं हमारा, तो अगर आपको लगता है कि हमारे ताईजी में भी कुछ अभी कलाकारी है तो प्लीज आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे ताईजी को भी अगर आप आगे आगे की तरफ बुलाते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते तो हमें भी अच्छा लगेगा यार, बहुत अच्छा गाया ताईजी ने, इतना अच्छा गाना गाया दानपुर के बारे में, क्योंकि उनका जो मायका है वो दानपुर घाटी में आता, जहां अभी हम लोग जा रहे हैं ये पूरा केमू गाँव उनका मायका है भाई, केमू में ही उनका मायका है। दानपुर के बारे में इतना अच्छा बोला और खुद ही उन्होंने ये जो बातें हैं सोची थी तभी जाके बोली थी। तो केमू गांव में पहुंचे अभी, ये कोटा धार है, सामने जो मकान है बहुत ज्यादा प्यारा है। आखिरकार दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं केमू गांव। केमू गांव बागेश्वर जिले का अंतिम और पर्यटक गांव माना जाता है। सामने देखो बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत मकान है जो की बहुत ज्यादा पुराने हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं निमंत्रण में, क्योंकि आज निमंत्रण है। और यहाँ पर देखो भाई इतना मस्त पहाड़ी बाकली है, बहुत प्यारा मकान, पूरा पुराना वाला। गांव में पहुंच चुके हैं और गांव में पूरा सुनसान ही है, और हमारे गांव की तरह यहाँ पर भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शादी में और बहुत सारे यहाँ पर आए हुए हैं, जय माला तो हो चुका है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिन जिनको निमंत्रण होगा, लड़ियां लगा रखी हैं, और यहाँ पर जनसंख्या देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा लोग हैं। तो भाई दिन का समय हो चुका है और यहाँ पर सभी लोग देखो भाई लाइन वाइज यहाँ पर खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर आए हुए हैं, और देखो वो सर मारी वहाँ पे वो, और देखो भाई
तो इस प्रकार से लाइन वाइज यहाँ पर खाना खिलाया जाता है, पहाड़ की संस्कृति मानी जाती है। जे जो की बनना खाने की बनना आज आज बहनो दाल भात भाई चावल खाने से पहले यहाँ पर पूरियां दी जाती है और पिटाक चंदन भी लगा दिया गया है, थोड़े बहुत पैसे भी दिए जाते हैं, पहाड़ की संस्कृति मानी जाती है। आंगन में सभी लोग जो है लाइन वाइज एकदम गोल करके खाना खा रहे हैं। जहाँ पर शादी हो रही है ना वहाँ पर मकान देखो पूरा पहाड़ी वाला है और इस पूरे आंगन में ही इतने सारे लोग हैं जो कि लाइन वाइज खाना खा रहे हैं। और अभी आप ग्लेशियर साइड देखोगे ना तो भाई ऊपर साइड देखो कितने ज्यादा काले बादल छा चुके हैं, मतलब अभी कुछ ही समय में बहुत ज्यादा तेज बारिश होने वाली है। लूटो में देखो ऊपर साइड से पूरा प्लास्टिक ढक रखा है जिससे अगर बारिश होगी ना तो ऊपर पानी नहीं पड़ेगा और घास सड़ेगा नहीं वरना पूरा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये घास देखो ये घास इतने खतरनाक चट्टानों से काट के लाते हैं लोग। तो भाई खाना खाने के बाद सभी लोग यहाँ पर धो रहे बर्तन क्योंकि बहुत सारे बर्तन जूठे हो गए थे, तो भाई सभी महिलाएं मिलजुल कर यहाँ पर कर रहे हैं काम, सारे के सारे बर्तन को धो रहे हैं। और मौसम देखो बहुत ज़्यादा प्यारा सुनहरा और अभी भी काले बादल छाए हुए हैं। तो अभी यहाँ पर हो रहा है कन्यादान, देख सकते हैं आप, माता और पिता जो है अपनी लड़कियों का कन्यादान करते हैं। तो अभी जो परंपरा चल रही है इसे हम लोग फाग बोलते हैं और इसमें बहुत सारी महिलाएं जो है गीत गाते हैं, जब अलग अलग प्रकार से जब आभूषण पहनाए जाते हैं, चाहे आप नाक में आभूषण पहनाओगे या कान में या अभी सिर पर जो भी चीजें लगाएंगे तो उसी प्रकार से यहाँ पर गीत गाया जाता है। जिनके पिताजी होते हैं, पिताजी यहाँ पर हैं, उनके पापा जी नहीं देखेंगे इस चीज को, ये परंपरा होती है। तो भाई अभी शाम का समय हो गया है और इतनी ज्यादा तेज बारिश, ये देखो बारिश की आवाज आप लोग सुन सकते हैं, बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही है। तो भाई रात के समय में देखो पूरे मकान बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, पहाड़ों में देखो इतनी तेज बारिश हो रही है और पूरा अभी कोहरा छाया हुआ है और हालत से पूरा जो है हाल बेहाल हो गया। तो हम लोग फटाफट अंदर चलते हैं।